नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया में। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी मानी शख्सियत सुमित अवस्थी जी। सुमित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रीति। सुमित जी, लंबे समय से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जाना माना चेहरे हैं, इसमें कई सालों से हैं, तो पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि मीडिया क्या है आपकी नजर में? हम जो बात कर रहे हैं मीडिया है, हम जो कोई भी जानकारी जो हम अपने जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं है, जिसके जरिए हम किसी भी चीज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो मीडिया है। आजकल तो हर हाथ में मीडिया है, सबके हाथ में सेलफोन है और सब सेलफोन के जरिए व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक और तमाम जितने टूल्स हैं सब मीडिया का हिस्सा है, सब मीडिया ही मीडिया है। ये बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और अब तक का सफर कैसा रहा? मेरी कहानी बहुत अजीब और गरीब है। मेरे पिताजी जो थे वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और मैंने न्यूज सुन सुन के बचपन बिताया है। उस जमाने में टीवी नहीं था घर में, तो न्यूज सुनते थे और न्यूज लिखते थे, और वो जब पापा नहीं लिखते थे तो मुझे कहा करते थे कि आज मैं नहीं सुन पा रहा तो तुम फला बजे की न्यूज लिख के रखना। टेप रिकॉर्डर नहीं था, 2-in-1 बाद में आया। तो न्यूज मेरी अपब्रिंगिंग न्यूज सुन के और न्यूज सुन के लिखने की हुई है। तो वो तब से आप कह सकते हैं कि एक तो पापा न्यूज में थे तो वो DNA में है न्यूज, और फिर वो सुन सुन के और देख देख के न्यूज ही न्यूज होगी चारों तरफ। तो मेरे को शुरू से ही दिलचस्पी थी उस चीज को लेकर। मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अभी पत्रकारिता के लिए काफी ज्यादा संस्थान भी हो चुके हैं, पत्रकार भी काफी उभर कर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पत्रकारिता का स्तर है वो नीचे गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी को काफी खोया है। उसकी वजह शायद ये है कि थोक के भाव में चैनल्स खुले हैं, थोक के भाव में वेबसाइट्स आई हैं, और उतने ही थोक के भाव में तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स ने पत्रकारिता की डिग्रियां बांटनी शुरू कर दी हैं, बगैर किसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर अच्छे टीचर्स के। तो हम लोग अच्छे मूल्य, अच्छी बातें आने वाली जनरेशन्स को नहीं सौंप पा रहे हैं। वो क्वालिटी में गिरावट आ रही है, और वो सिर्फ मीडिया में नहीं है, ये हर प्रोफेशन में है। आप देख लीजिए डॉक्टर्स की कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, इंजीनियर्स के साथ क्या होता है, आप आर्किटेक्ट्स को देख लीजिए। तो दुनिया में, समाज में जैसे जैसे मूल्यों का, इथिक्स का गिरावट आ रही है, वो गिरावट अपने अपने प्रोफेशन में भी दिखाई दे रही है। हम लोग भी उससे अछूते नहीं हैं, पर मैं हर बार कहता हूँ, कई बार कहता हूँ कि हम एक प्रोफेशन में हैं, पर ये पेशा जो है, ये प्रोफेशन शब्द बहुत ही नेगेटिव शब्द जोड़ा जाता है मीडिया के साथ, तो मैं इसको अपने, मैंने एक नया शब्द गढ़ा है, दिस इज अ प्रोफेशन बट विद अ मिशन। अगर आपको कोई मिशन नहीं है लाइफ में और आपको पैसा कमाना ही आपका उद्देश्य है एज अ पत्रकार, या TV पे दिखना आपका उद्देश्य है एज अ ग्लैमर, तो मेरा ये कहना है तमाम युवाओं से कि वो टीवी चैनल ज्वाइन कर लें, किसी में एक्टिंग कर लें, आजकल तो बहुत सारे सीरियल्स बनते हैं, रियलिटी शोज चल रहे हैं, फिल्मों में जाकर ट्राई कर लें। आजकल तो बहुत सारी फिल्में YouTube पे बनती है, आदमी 5-5 मिनट की फिल्में बना के डाल रहा है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप अच्छा जर्नलिज्म करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको जर्नलिस्ट के वैल्यूज पता होने चाहिए, दायरे पता होने चाहिए, और एक अच्छा पत्रकार वही होता है जो खबरों को तौल सकता है और खबरों को परिष्कृत कर सकता है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। पता लगा कि किसी जगह पर कोई संवेदनशील स्थिति है और वहां पर दंगे भड़क सकते हैं, तो दंगे भड़काना हमारा काम नहीं है। अगर हमको लगता है कि इस खबर को चलाने से या छापने से या दिखाने से दंगे और भड़क सकते हैं, तो हमको रिस्ट्रेन रखना चाहिए। हम उस खबर को अगर रोक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दंगे भड़क चुके हैं, कुछ लोग हताहत हो गए हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तब आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तब आप उसको दिखा सकते हैं, पर उसी तरीके से दिखाएं कि सांप्रदायिक सद्भाव बने ना कि बिगड़े, कि इस समुदाय ने उस समुदाय को मार डाला या उस पर जाति की ताकि वो समुदाय भड़क जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच बैलेंस रखना जरूरी है। हम लोगों का काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। अच्छा, एक चीज और है सुमित जी, कि मीडिया आकर्षण का केंद्र है, एक शब्द है लेकिन आकर्षण उससे जुड़ा हुआ है। दो धड़ों में अगर बांटा जाए उन लोगों को जो मीडिया के अंदर हैं एज अ मीडिया कर्मी, और जो लोग बाहर हैं जो बाहर से मीडिया को देख रहे हैं, तो दोनों के नजरिए में काफी फर्क होता है, इनफैक्ट बड़ा फर्क कह सकते हैं। इस अंतर को किन शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है? जो मीडिया के अंदर लोग हैं उनके लिए तो यही चैलेंज होता है
जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी सुना रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, उसमें आपकी कलम से, आपके मुंह से वो चीजें जा रही हैं, तो उसमें एक जवाबदेही है कि ये खबर मैंने दी है, ये खबर इन्होंने दी। अगर मैं गलत खबर दे रहा हूं तो मेरी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो खराब हो रही है, और अगर मैं सही खबर दे रहा हूं तो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए ये काम मीडिया का है। तो जो लोग मीडिया के उस तरफ हैं, जो हमको देखते हैं या पढ़ते हैं, जो हमको, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दिन भर आलोचना करते हैं लोगों की, और हमारा काम है आलोचना करना, हम लोग तारीफ के लिए नहीं बने। मैं सीधे से बोलता हूँ, जो अच्छी चीज समाज में हो रही होगी हम उसको दिखाएंगे, पर हमको समाज में जागरूक नागरिक की तरह चीजों, खराब चीजों को होने से रोकने देना है। अथॉरिटीज को चैलेंज करना एक पत्रकार का काम है। अथॉरिटीज की हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम लोग, मतलब कम से कम मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में नहीं आया हूँ। जो चीज मुझे अच्छी लगेगी वो मैं बोलूंगा, और जो चीज मुझे खराब लगेगी उसको और जोर से बोलूंगा और चिल्ला के बोलूंगा, ताकि अथॉरिटी के कानों में जूरेंगे और वो परेशान हो। तो हम हाँ में हाँ मिलाने नहीं आए हैं, पर जब हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, क्योंकि आप तुरंत देखे जाते हैं, आपको देख आप और हर हर घर में देखे जा रहे हैं, गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, और पढ़े से लिखा पढ़े लिखा, सब आपको एक साथ देख रहे हैं, और वो आपको जज कर रहे हैं कि सुमित जी ने ये बात कही थी, सुमित जी तो फला पार्टी से मिल गए, सुमित जी ने बात कही थी, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, इसको मैं मान लेता हूं। तो हम भी जज हो रहे हैं, हम भी लगातार स्क्रूटनी में हैं, हम भी लगातार दर्शकों के रडार पर हैं। तो जो लोग उधर हैं कैमरे के, जो हमको हमको अब देख रहे हैं, ये उनकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, उनके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो हमारी बातों को कितना माने। तो मेरा ये कहना है कि एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा मीडिया पर्सन वही है जो अनबायस्ड हो, जो अथॉरिटी को चैलेंज करने में डरे ना, और जो हाँ में हाँ ना मिलाता हो, जो हर चीज को शक की नजर से देखे। अगर कोई प्रेस रिलीज भी आई है तो उसको छापने के पहले 50 बार पढ़ना चाहिए, और उसकी एक लाइन में से कोई खबर निकालनी चाहिए। हम हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है, हाँ में हाँ मिलाने के लिए सरकार के पास अपने संसाधन है, और आजकल तो सोशल मीडिया है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए और सोशल फेसबुक के जरिए तमाम चीज प्रोपोगेट कर सकते हैं। यहाँ सोशल मीडिया की बात आई है, तो ये भी देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल हो रही है और वो चीज न्यूज चैनल्स को प्रभावित करती है और वहां से पब्लिक को प्रभावित करती है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगा, मैं अभी बोल के भी आ रहा हूँ और वही चीज रिपीट भी करना चाहूंगा कि जो लोग सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चीजों को फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब तक आप अपने स्तर पर, अपनी बुद्धि के स्तर पर कन्फर्म ना हो कि जिस भी चीज को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सही है, जोक्स अलग बात है, मजाकिया तस्वीरें आती हैं अलग बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो जानकारियां हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल से जुड़े हुए तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, जिससे समाज में गड़बड़ियां हो सकती हैं, उनको आगे बढ़ाने के पहले एक बार आप अपने लेवल पर जरूर चेक करें, क्रॉस चेक करें। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सी चीजें मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, पॉलिटिकल पर्संस के द्वारा फैलाई जा रही हैं, लोगों के बड़ी बड़ी आईटी सेल बने हुए हैं जो प्रोपोगेट करते हैं ना सिर्फ अपनी अच्छी बातों को बल्कि दुश्मनों की या विरोधियों की उन बातों की भी खाल निकाल लेते हैं जिसमें कोई गलती नहीं होती है, और हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं या लाइक कर लेते हैं या शेयर कर लेते हैं, और हम उसके जरिए इस्तेमाल हो जाते हैं। सबसे तेज निकलने के चक्कर में जो पूरे तथ्य भी नहीं होते, पूरे आंकड़े नहीं होते हैं और खबरों को पेश किया जाता है, तो ये कहां तक सही लगता है आपको? गलत है, नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं ना, बहुत कॉम्पिटिशन का जमाना है और बहुत से अखबारों से, वेबसाइट से, न्यूज चैनल से बहुत गलतियां होती हैं आज की तारीख में, जल्दबाजी के चक्कर में, सबसे आगे रहने के चक्कर में, और उस हड़बड़ाहट में इसीलिए क्रेडिबिलिटी नुकसान हुआ है, इसीलिए विश्वसनीयता खोई है हम लोगों ने, जिसकी जिम्मेदार हम ही लोग हैं और कोई नहीं, हमारी अपनी जमात है, हमारी अपनी बिरादरी है। हम लोग हड़बड़ी के चक्कर में, आप भी तेज दौड़ेगा तो गिरता है ना, अपनी क्षमता से भी चलने की, उड़ने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे जमीन पे आके, तो वही स्थिति हमारे साथ भी है। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी न्यूज चैनल, और ये मैं तो अपने जहां भी मैं काम करता हूं, जब भी मैं काम जिस भी चैनल में रहा, तो ये मेरी कोशिश रहती है कि आप भले 10 सेकंड लेट खबर दिखाओ लेकिन उसको क्रॉस चेक कर लो, उसको कंफर्म कर लो। खबर ब्रेक करने के चक्कर में, तेज चलने के चक्कर में आप गिर जाओ, आपको ऑन एयर आके माफी मांगनी पड़े, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े, तो जिस विश्वास को हासिल करने में सदियों लग जाती है,
अरसे लग जाते हैं, वो एक सेकंड में खो जाता है। कोई पर्टिकुलर न्यूज चैनल किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करता है, कोई एंकर पार्टी विशेष के पक्ष में ही बोलता है, अदर पार्टी के पक्ष में नहीं बोलता, इस बारे में क्या राय है आपकी? ये मैं मानता हूँ ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मैंने जैसे अभी कहा कि मैं इस बात में बहुत फर्म बिलीव करता हूँ कि अगर पत्रकार होने के नाते, एंकर होने के नाते, एडिटर होने के नाते अगर आपने अथॉरिटीज को चैलेंज नहीं किया तो फिर आप पत्रकार नहीं है, आपको पत्रकार नहीं होना चाहिए। आपको प्रोपेगेंडा करने के लिए आपको काम नहीं कर रहे हैं, आपको लोगों को अनबायस तरीके से, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक्स पार्टी खराब है तो मैं एक्स पार्टी का वर्जन भी शामिल करूं और फिर कहानी को दिखाऊं, फिर ये दर्शक तय करेगा या रीडर तय करेगा कि उस खबर मेरी ठीक है कि नहीं है। सिमिलरली ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कि फला चैनल एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, फला अखबार एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह ये कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है और अगर सब चाहें तो वो कानून बनना चाहिए, जो कि मैं चाहता हूं कि जितने मीडिया ओनर्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं हो सकते। अब आप कुछ चैनल के संपादक हैं वो किसी एक पार्टी के जरिए राज्यसभा में, कुछ अखबारों के मालिक हैं, संपादक बने हुए वो भी राज्यसभा में रह चुके हैं, राज्यसभा में अभी भी है, कुछ लोग अतीत में थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी के, लेकिन ये फैक्ट है कि आप अपने संपादक पत्रकार का ओहदा रखते हुए आप एक्स वाई जी पार्टी के जरिए आप संसद में पहुंच गए, आप संसद के मेंबर बन गए, क्योंकि कोई रोक नहीं है। अगर इस पे कानून बन जाए, इस पे रोक लग जाए तो इस तरह का मिसयूज नहीं होगा, नहीं तो यूज कर लीजिए, मिसयूज कर लीजिए, ये होता रहेगा। इथिकली मीडिया को बहुत बैलेंस, निष्पक्ष, न्यूट्रल लेके काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सुमित जी, बेहद शुक्रिया वेब दुनिया से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना सही मार्गदर्शन देने के लिए। आई होप कि सही है, उनको कुछ समझ में आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति, थैंक यू वेब दुनिया, थैंक यू।